हेलो दोस्तों, क्रिकेट ओनली एडी चैनल में आप सबका स्वागत है। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक भी है, लेकिन सचिन से जुड़ा ये किस्सा बेहद कम लोग जानते हैं, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के सबसे बड़े आइकन में से एक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 24 साल तक अपना जलवा बिखेरने वाले सचिन तेंदुलकर को फैंस भगवान की तरह पूजते हैं। सचिन तेंदुलकर से जुड़ी बातें और किस्से फैंस बड़े चाव से सुनते और पढ़ते हैं। इस वीडियो में शामिल है सचिन की टोपी से जुड़ा वो किस्सा जिसे बेहद कम लोग जानते हैं। सचिन तेंदुलकर फील्डिंग के दौरान फ्लापी हैट यानी गोल टोपी का इस्तेमाल करते थे। देखने में तो ऐसा लगता था कि सचिन तेंदुलकर फ्लापी हैट को स्टाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सचिन तेंदुलकर की एक मजबूरी थी। बात 2007 की है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह ने सिंगापुर हवाई अड्डे पर एक नई लॉन्च की गई मॉइस्चराइजिंग क्रीम खरीदी। शुरुआत में सचिन को उस क्रीम के इस्तेमाल में कई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेलबर्न में शुरुआती टेस्ट मैच के दौरान उन्हें चेहरे पर जलन महसूस हुई। हरभजन सिंह, जिनके पास भी वही मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी जो सचिन के पास थी, उन्हें ऐसी कई समस्या नहीं हुई थी। ऐसे में तेंदुलकर ने सोचा कि मालिश के कारण ऐसा हुआ होगा, या फिर तौलिया पर इस्तेमाल किया जाने वाला डिटर्जेंट इसका कारण होगा। दिन ब दिन सचिन तेंदुलकर की यह समस्या बढ़ती ही चली गई। ये इस हद तक पहुंच गई कि तेंदुलकर का चेहरा लाल और सूज गया। ये समस्या उनके लिए परेशान करने वाली बन गई और इसने उनके बच्चों के प्रति चिड़चिड़े व्यवहार को भी जन्म दिया। सचिन ने राहत के लिए सिडनी में एक डॉक्टर से सलाह ली। तभी डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि उनका मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर अन्य किसी भी प्रकार की क्रीम से एलर्जी है, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर मैदान पर फ्लापी टोपी पहनकर फील्डिंग के लिए उतरने लगे थे। सचिन तेंदुलकर ने अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए ऐसा किया था, ज्यादा एहतियात के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो कैसी लगी आपको सचिन के बारे में ये बात जानकर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।